नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिसिन में डिस्काउंट के नाम पे किस तरह नकली दवाएं मार्केट के अंदर बड़े पैमाने पे बिक रही हैं और लोग डिस्काउंट के चक्कर में इन दवाओं को ख़रीदते हैं और उनको इसके पीछे की हकीकत नहीं पता होती है। तो अभी अगर आप मेडिसिन शॉप पे जाएंगे तो आपको 30-40% का डिस्काउंट बहुत लोग देते हैं। तो आखिरकार वो लोग 30-40% का डिस्काउंट आपको कैसे देते हैं जबकि उन्हें खुद उतने पैसे की वो दवाएँ नहीं पड़ती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सावधान छूट के नाम पर बाज़ार में बिक रही नकली दवाएँ, जाँच में 42% दवाएं मिली नकली। तो ये 42% बहुत बड़ा नंबर है। तो चलिए हम यहाँ पे कंप्लीट न्यूज़ देखते हैं क्या दिया गया है। दवा बाजार में मुनाफाखोरी अपने चरम पे है, अधोमानक दवाएं खुलेआम बेची जा रही हैं, दुकानों पर 20-40% तक की छूट के बोर्ड लगे हुए हैं जबकि असली दवाओं पर इतनी छूट संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर कोई भी मेडिकल स्टोर हो गया, अगर वो असली दवाएं बेचता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% का फ़ायदा होता है, लेकिन अभी मेडिकल स्टोर वाले 40-50% का इस समय डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आप मान सकते हैं कि जैसे कोई दवाई अगर 100 रुपये की है तो उसको 30-40 रुपये का बेचा जा रहा है। तो ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा मार्केट के अंदर हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो भी दवाएं इस तरह के बड़े डिस्काउंट के चक्कर में बेची जा रही हैं वो सभी नकली दवाएं हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसका खामियाजा किसी तरह पैसे का इंतजाम कर दवाएं खरीदने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, दवाएं अधोमानक होंगी तो मर्ज कैसे ठीक होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दुकानदार 40% तक दे रहे छूट, असली पर यह संभव नहीं। तो इस दौरान नकली दवाओं की खेप भी मिली, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो दुकानदार 40% छूट पर दवाएं बेच रहे हैं, विभाग ने उनसे यह पूछने की भी कोशिश नहीं की कि इतनी मार्जिन कौन सी कंपनी देती है। ड्रग विभाग की लापरवाही का फ़ायदा दुकानदार उठा रहे हैं, मुनाफा के आगे उनकी संवेदना मर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है और कोई दुकानदार अगर उसको 40 रुपये का बेच रहा है तो आखिरकार वो उसको इतने कम प्राइस में कैसे बेच रहा है, उसके पीछे उसको प्रॉफिट क्या हो रहा है, वो उस ड्रग को, वो उस मेडिसिन को कितने रुपए का खरीद रहा है, इसके पीछे उसको कुछ नहीं पता होगा क्योंकि ये सारी दवाएं नकली होती हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है और वो उसको जितने प्राइस में बेच ले जाए वो सारा पैसा उसी को मिल जाता है। तो किस तरह दवाओं के डिस्काउंट के नाम पर इतनी सारी फेक मेडिसिन इस समय मार्केट के अंदर चल रही है, इनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और अपना मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो इसके बारे में आपको लोगों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि वो डिस्काउंट के चक्कर में नकली मेडिसिन और फेक मेडिसिन के शिकार न बने। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।